हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप सब लोगों को ये मेरा कहना ज़रूरी है कि मैं मलिक हूँ, सैयदा नहीं हूँ। ये मुझे आमिर लियाकत ने कहा था कि तुम सैयदा लिखवाओ। मैंने उनको बहुत रोका कि नहीं, ये गलत बात है, सैयदा नहीं लिखवा सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा मसला है। मैंने कहा कल को बहुत मसले हो सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा मसला है, मैं जानूँ और मेरे काम चलें। मैंने कहा चलें ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरे निकाह नामे पे मलिक लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम पर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया का अकाउंट दानिया आमिर के नाम से था, ताहम अब उन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम तब्दील करके दानिया मलिक कर दिया है। दानिया शाह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी तस्वीर भी शेयर की, जिसके साथ उन्होंने सार्फिन से सवाल भी किया। दानिया ने पूछा कि आप लोगों में से मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है। दानिया शाह ने अपने सवाल के साथ एक पोल भी रखा, जिसमें एक तरफ दानिया का और दूसरी तरफ आमिर लियाकत का नाम था। इससे कबल दानिया ने आमिर लियाकत हुसैन की एक नाज़ेबा वीडियो लीक की थी, जिसके बाद आमिर लियाकत का भी रिएक्शन सामने आ गया। नाज़ेबा वीडियोज लीक करने के मामले पर रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी अहलिया दानिया शाह को माफ़ कर दिया। ट्विटर पर अपने पैगाम में आमिर लियाकत ने कहा, दानिया हदूद अल्लाह में दाखिल हो गईं। इसने अल्लाह की जानिब से ढका हर पर्दा फाड़ डाला। इसने मेरा लिबास फाड़ दिया तो मैं क्या इसका लिबास फाड़ दूं? मैंने माफ़ ना किया तो रब की माफ़ी नामुमकिन है। वाज़ह रहे कि रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह ने तंसीक निकाह का दावा दायर कर दिया है। दानिया शाह का कहना था कि आमिर लियाकत शैतान हैं, बल्कि शैतान से भी बुरे हैं।